हेलो दोस्तों, वेलकम टू अदर्स क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। ठीक है, तो दिस सेशन माय फोर्थ सेशन। इससे पहले हमने तीन सेशन आपके कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपका बताया था भारत का भूगोल। ठीक है, इसमें हमने भारत का भूगोल बताया था, जिसमें हमने आपका जो कवर किया था फर्स्ट सेशन, उसमें हमने एरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर सेकेंड हमने देखा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, फिर हमने जो देखा थर्ड, वो था मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की गति है, जो पृथ्वी अपनी गति कैसे करती है, ठीक है, उसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे मानक समय। मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, आज हम टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले आपको बताया था कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये है आपकी लाइन 0 डिग्री, या फिर आप 180 डिग्री देशांतर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 0 डिग्री देशांतर लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन पूरी दुनिया का समय, इस लाइन से जो हमारा समय है, सब पूरी दुनिया का समय मान के चलिए, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद चेंज होता है। ठीक है, ये लाइन जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये वाली लाइन जो आपका है, इस लाइन को अगर हम ईस्ट में जाएंगे, अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम चेंज होगा। ठीक है, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम चेंज होगा। ये जो लाइन है, इस लाइन से सभी देश का जो समय है वो चेंज होता है, ये सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे तो ये 180 डिग्री लाइन होगी इधर, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 180 लाइन डिग्री इधर लाइन होगी आपकी। ठीक है, ये हमने जाना, यानी कि टोटल जो आपकी देशांतर लाइन होती है वो 360 डिग्री होती है, यानी कि अगर हम बात करें, ये मेरा 0 डिग्री, ठीक है, ये वाला है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, मान के चलिए ये मेरा है एक कोण 90 डिग्री का, फिर ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि जो टोटल आपके कोण बनते हैं वो होते हैं 360 डिग्री, यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 180 डिग्री आपका ईस्ट में और 180 डिग्री आपका वेस्ट में होती है। ठीक है, यानी कि 360 डिग्री लाइन होती है। ठीक है, ऐसे करके आपकी जो लाइन होती है, ये वाली जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपकी टोटल 360 डिग्री लाइन होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो हमारी अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 डिग्री में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें पता है, लेकिन अगर हमको देखना है कि एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है कितने डिग्री घूमती है, तो हम इसे 24 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक घंटे का निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इससे 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो मेरा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक है, यानी कि हमारा जो एक घंटे का, हमारा जो एक घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब हमने एक घंटे का निकाला, अब हम अगर देखें कि जो हमारी अर्थ है, अगर एक डिग्री का निकालें कि एक डिग्री हमारी जो अर्थ है, एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो हम 60, जो हमारा एक घंटा में हमारे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हम 15 डिग्री को 60 मिनट से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा, हाँ डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट आया। ठीक है, यानी कि एक डिग्री 4 मिनट में पूरा हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, अगर हम अर्थ को छोड़ दें तो वो एक 4 मिनट में एक डिग्री घूम के आ जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में एक डिग्री। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 आर में 360 डिग्री। ठीक है, फिर एक घंटा में 15 डिग्री। ठीक है, फिर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका टाइम के हिसाब से हमने जो बांटा कि हमारी जो अर्थ है कितना समय में कितने डिग्री घूमती है। ठीक है, इसमें एक बात आपको और याद रखना है, वो है
ई जी ए ठीक है, फिर है डब्ल्यू एल एस। ईजी का मतलब होता है ईस्ट गेन एड, यानी कि जब जब हम ईस्ट में जाएंगे, यानी कि ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन ठीक है 0 डिग्री, इस डिग्री के जब जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा जो ईस्ट में जाएंगे तो गेन होगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा, तो हम जोड़ देंगे ठीक है। अब बोल रहा है वेस्ट यानी कि डब्ल्यू यानी कि वेस्ट, एल यानी कि लॉस, एस यानी कि सबट्रैक्ट, और जब जब हम वेस्ट में जाएंगे यानी कि पश्चिम में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा ठीक है। ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इस जो लाइन है आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ठीक है, इसके इस 0 डिग्री के जब जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, गेन होगा हमारा ठीक है, हम ऐड करेंगे, और जब जब हम वेस्ट में जाएंगे पश्चिम में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, हम इसे माइनस करेंगे ठीक है। ये हो गया। अब हम जानते हैं टाइम जोन ठीक है, ये हमने सीखा टाइम जोन कैसे आपको कैलकुलेट करते हैं वो वाला ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं। हमने कहा कि जब जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, गेन होगा हमारा ठीक है, और जब जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है ठीक है, ये हमारा सन है ठीक है। तो मैंने कहा कि जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा वहां आपका दिन होगा ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो आपका इंटरनेशनल डेड लाइन के नाम से जाना जाता है ठीक है। ये एक लाइन है, फिर ये कोई एक लाइन है, और ये एक लाइन है ठीक है। ये मेरा ए है, ये बी है, और ये सी है ठीक है। तो मान के चलिए हमने कहा कि जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने पहले आएगा वहां दिन होगा ठीक है, और उसके अपोजिट नाइट होगी ठीक है। तो मान के चलिए अगर हमारा जो अभी टाइम जोन है सबका अलग अलग, अगर वैसा ना होता तो क्या हमारी पृथ्वी पे सभी जगह एक समय पे दिन रात होता, या सबका एक जैसा होता या नहीं होता ठीक है। तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पे मान के चले ए है मेरा, ये वाला सबसे पहले ईस्ट में ए है ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सूर्य क्या, यहाँ पे मेरा सूर्य निकलता है 6 बजे, क्योंकि जो ईस्ट के सामने जो भाग पहले आएगा वहीं पे सूर्य पहले निकलेगा ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए मेरा सुबह होता है 6 बजे, तो यहाँ पर तो मेरा 7 बजे होगा, फिर यहाँ पे 8 बजे होगा, ऐसे ही तो होगा, क्योंकि यहाँ सुबह 6 बजे हो रहा है। तो जैसे जैसे पृथ्वी अपना भाग सूर्य के सामने होते जाएगा वैसे वैसे सुबह होते जाएगा ठीक है, यानी कि यहाँ 6 बजे हो रहा है तो यहाँ 7 बजे होगा, यहाँ 8 बजे होगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी वहां सुबह होते जाएगा ठीक है। अब मान के चलिए पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गई, तो यहाँ पर आपको 12 बज रहा है, और यहाँ पर देखिएगा अब शाम का 6 बज रहा है, तो 6 बजे सूरज निकलेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए सबको अपने अपना देश की जो टाइम जोन है बनाना पड़ा ठीक है। जैसे कि आपको पता हो कि जो भारत की टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है, जो आपका इलाहाबाद उत्तर यूपी से इलाहाबाद शहर से, इलाहाबाद में नैनी शहर से क्रॉस करती हुई आपकी टोटल 5 स्टेट को कवर करती है ठीक है, जो आपकी इंडिया की टाइम जोन है ठीक है, जिससे इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है, उसी के हिसाब से इंडिया का टाइम चलता है ठीक है। अब हम अगर बात करें आपका कि ये तो छा सूर्य के हमने जो देखा ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए ये कोई लाइन है ठीक है, ये है 0 डिग्री और ये कोई लाइन है ठीक है। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं आपका, ये है 82.30 डिग्री ठीक है, ये है 74 डिग्री और ये है 0 डिग्री ठीक है। 0 डिग्री है ये वाली, लेकिन इसका जो 0 डिग्री है इसका टाइम हमको दिया हुआ है ठीक है, इसका टाइम दिया हुआ है रात का 12 बजे का ठीक है। अब कोई बंदा है, कोई बंदा है ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो लोकेशन फाइंड करने बोल रहा है ठीक है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो इस लोकेशन पे खड़ा है, यहाँ पे यहाँ पर ये यह मान के चलिए यहाँ पर उसको जाना है ठीक है,
वो है यहाँ पर उसको जाना है। अब उसको बोल रहा है कि यहाँ पे रात के 12 बज रहा है, वहां पे इसे जाना है। तो हमने जैसा कि हमने कहा था कि जब हम 0 डिग्री से, यानी कि जो भूमध्य सॉरी 180 डिग्री देशांतर लाइन है उसको क्रॉस करने पर हमारा टाइम चेंज होता है, ठीक है, ये तो सबके लिए सेम है। तो हमने कहा अगर हम 0 इस प्राइम मेरिडियन को क्रॉस करके ईस्ट में जाते हैं तो हमको इस पोजीशन पे यहाँ पर पहुंचना है, तो हमें कितने घंटे अपनी जो घड़ी है वो आगे करनी होगी या फिर जोड़ना होगा, ठीक है उसमें। इसी तरह अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो कितने घंटे हमें अपनी घड़ी पीछे करनी होगी, ठीक है। तो हमने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। फिर हमने बताया कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। फिर हमने बताया कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है, ये हमने आपको बताया। तो अगर हमको टाइम निकालना है, ये तो मेरा आपका डिग्री में दिया हुआ है और यहाँ पे हमको टाइम पूछ लिया है, हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो 82 डिग्री है, ठीक है, अगर हमको उस टाइम में कैलकुलेट करना है, हमको समय निकालना है, तो 82 डिग्री को 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको 15 से 15 डिग्री से अगर डिवाइड कर दें तो क्या मेरा समय आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो अगर हम 82 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, ठीक है, 7.5, 7.5 और गुना कर देंगे 4 से, क्योंकि 7.5 डिग्री आ गया। तो क्योंकि ये 15 से कम है इसलिए हमने देखा था कि हमारा जो 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा कवर करती है, तो हम 4 से इनसे गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 30 आ जाएगा ना, यानी कि 5.5 घंटा। यानी कि अगर हम 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो हमें अपना जो घड़ी है वो 5 घंटा 30 मिनट जोड़ना होगा, गेन करेंगे, तब हमें आप इस समय पे पहुंचेंगे, ठीक है। 5.5 घंटा हमें अपनी घड़ी को आगे रखना होगा, जोड़ेंगे हम उसमें, तब हम इस जो आपकी सही पोजीशन पर पहुंचेंगे सही समय पर, ठीक है। ये तो हमने देखा ईस्ट का, हमारा गेन हुआ, ठीक है। अगर हम देखें वेस्ट का, ठीक है, अगर हम वेस्ट में जाते हैं, अगर हम 0 डिग्री से वेस्ट में जाते हैं तो क्या करेंगे? पहले तो हमें टाइम आपका टाइम में कन्वर्ट करना होगा 74 डिग्री को, ठीक है। तो हम 15 डिग्री को 74 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 14 गुना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? 56 आ जाएगा, यानी कि 4 घंटा 56 मिनट। यानी कि जब हम अपना मतलब 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में जाएंगे तो हमें जो अपनी घड़ी है वो 4 घंटा 26 मिनट पीछे करनी होगी, तब हम समय पे पहुंचेंगे इस पे, ठीक है। तो ये तो हमने आपका टाइम निकाला सीखा, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें गेन होगा यानी कि प्राप्त होगा, ठीक है। बस आपको इतना रखना है कि जब हम 0 डिग्री या अपनी प्राइम मेरिडियन या फिर इंटरनेशनल जिसे हम डेड लाइन बोलते हैं, इसको जब क्रॉस करते हैं ना, इस लाइन को क्रॉस करने पर अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो हमारा गेन होगा, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो लॉस होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसे हम इंटरनेशनल डेड लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे भारत के जो इंडियन पीएम जो है, ठीक है, वो 28 फरवरी 2016 को, मान के चलिए, ठीक है, 28 फरवरी 2016 को किसी यूएन असेंबली, किसी यूएन असेंबली में शाम के 5 यानी कि 5 PM में, ठीक है, आपका स्पीच देते हैं,
दे रहे हैं, ठीक है, वो भी लाइव स्पीच, लाइव 5 बजे आपकी स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बोले कि जो हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर है वो 28 फरवरी 2016 को यूएन असेंबली में 5 बजे स्पीच लाइव दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया में कब टेलीकास्ट होगा? तो इंडिया में कब टेलीकास्ट होगा, कब लाइव टेलीकास्ट होगा? इंडिया में कब लाइव टेलीकास्ट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि हमारे जो हमने कहा कि जो हमारे इंडिया के पीएम है, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर 28 फरवरी 2016 को किसी यूएन असेंबली में शाम को 5 बजे लाइव स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, भाषण दे रहे हैं, तो वो इंडिया में कब टेलीकास्ट होगा, ठीक है। मान के चलिए हमें यहाँ पर ये है मेरा टाइम जो जिसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, ये वाली एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। मान के चलिए ये वाली है यूएन असेंबली, यानी कि जो वहाँ की जो यूएसए है वहाँ की जो लाइन है वो है 74 डिग्री, वहाँ का जो आपका है, अगर हम यूएन की बात करें यानी यूएसए की, तो वह है आपका 74 डिग्री, और इंडिया की बात करें तो वो है इंडिया की 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री जो है आपकी लाइन पूर्वी देशांतर रेखा से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है यूएन असेंबली का समय दिया हुआ है, ठीक है, 28 फरवरी 2016 में शाम के 5 बजे हमारे जो पीएम है स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जब जब हम ईस्ट में जाएंगे तो गेन होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूएन असेंबली यानी कि हमारा जो यूएस है अमेरिका है, तो जो अमेरिका की जो टाइम जोन जो लाइन है वो 74 डिग्री है, ठीक है, तो 74 डिग्री है, और ये जो लाइन है हमें ईस्ट में जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ईस्ट में जाएंगे तो हम गेन होगा हमें, तो 74 डिग्री और 82 डिग्री को जोड़ देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा? हाँ, करके देखते हैं, ठीक है। 82 डिग्री मान के चलिए 74 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री को हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 160.5 डिग्री, इतना आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें टाइम निकालना है, यहाँ पर मेरा 5 बजे शाम को स्पीच लाइव हो रहा है, तो इंडिया में कब लाइव आएगा, ठीक है, यही बता रहे हैं। तो हम अगर हमें हमने जाना था कि हमारी जो डिग्री है एक घंटा में, हमारी जो पृथ्वी है एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, अब इसे 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार में काटेंगे 150, ठीक है, 6.5 कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 26, यानी कि 10 घंटा, यानी कि 10:26 पे, ठीक है। लेकिन ये तो हमने इसका टाइम निकाला ना, इस बीच का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमने टाइम निकाला, इस बीच का 10:26, क्यों? क्योंकि अभी हमने और भी बताया था कि जब हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो 5.5 घंटा हमें अपनी घड़ी को ऐड करना पड़ता है ज्यादा, यानी 5.5 घंटा हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा तब हम उस समय पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 10:26 में 5.5 घंटा और जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें हम यानी कि 10:26 में हम 5:30 को और जोड़ देंगे तो मेरा जो राइट समय है वो निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15:56, यानी कि 3:56 पर जो है वो इंडिया में टेलीकास्ट लाइव होगा। अब क्योंकि यहाँ 28 फरवरी है और 2016 की बात की हुई है, तो 2016 मेरा क्या है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो हमारी जो फरवरी है तो 29 फरवरी होगी, यानी कि 29 फरवरी, और यहाँ पर आपका 28 था, यहाँ 29 फरवरी है, तो यहाँ पे शाम में है, तो क्योंकि ये ईस्ट में है तो यहाँ पे सुबह में टेलीकास्ट होगा, मॉर्निंग में, यानी कि इंडिया में 3:56 पे 29 फरवरी को सुबह में टेलीकास्ट होगा।
जो आपका यूएन में 5 बजे टेलीकास्ट हो रहा था, वो इंडिया में इतना समय टेलीकास्ट होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि हमें एक लोकेशन दी हुई थी, ठीक है, हमें उसका टाइम निकालना था, तो हमने टाइम निकाला। ठीक है, इसी तरीका से हम आपका एक, अब आपको हम समय देंगे और आपको एक लोकेशन फाइंड करनी है उसकी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन, हमें एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो जीएमटी पर है, जीएमटी पर आपका उसका समय दिया हुआ है 12 घंटा, रात के 12 बजे में। ठीक है, अब आपको समय दे दिया है कि ये कोई लोकेशन है, ठीक है, और वहां पे 7 बज रहे हैं, 7 सुबह के 7 बज रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई लोकेशन दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे 8 बज रहा है, रात शाम का 8 बज रहा है। ठीक है, यानी कि पीएम है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द लोकेशन, आपको समय दे दिया है, लोकेशन को फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? हमने तो अभी आपको लोकेशन दी थी, हमने आपको टाइम फाइंड करके बताया, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें आपका लोकेशन नहीं है, हमको टाइम दिया गया है, हमको लोकेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, मान के चलिए ये मेरा, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, मान के चलिए ये मेरी जीएमटी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ठीक है, मान के चलिए ये जीएमटी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा रात का 12 बज रहा है, यहाँ का समय दिया हुआ है, ठीक है, रात के 12 बज रहा है। ठीक है, फिर एक कोई लाइन है ये वाली, फिर ये एक कोई लाइन है। ठीक है, पीएम है यानी कि A7 है, एएम है, तो एएम है तो पक्का है कि ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि हमने कहा था कि सूर्य जो है सबसे पहले ईस्ट में उदय होता है, उसके बाद वेस्ट में। तो एएम है यानी कि ये पक्का है कि मेरा 7 PM ईस्ट में होगा, सुबह का समय है। ठीक है, अब ए टाइम है यानी कि पक्का है कि ये वेस्ट में होगा पीएम। ठीक है, हमने टाइम यहाँ पे दे दिया हमें, क्योंकि हमें लोकेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने वहां पे आपका देखा था कि जिसमें हमने लोकेशन दी हुई थी, हमें समय निकालना था, तो हमने लोकेशन को, जितनी मेरी लोकेशन दी हुई थी उसे हमने, जो हमारा 1 घंटे में जित 15 डिग्री जो आपकी घूमती थी, 15 डिग्री को उस लोकेशन के साथ हमने डिवाइड कर दिया था, तो मेरा जो समय था वो निकल गया था। ठीक है, इसी तरह किया था हमने, लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि हमें समय दिया हुआ है, क्योंकि हमें समय दिया हुआ है और हमें उसे डिग्री में निकालना है। ठीक है, हमें लोकेशन पता करनी है, तो 7 को हम 15 से मल्टीपल कर देंगे, तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 7 105, यानी कि यहाँ पर जो लोकेशन होगी वो 105 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमें इसी तरह यहाँ पर भी देखना है। अब मान के चलिए यहाँ पर मेरा 12 है, ठीक है, यानी कि 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ का समय निकालना है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले आपका 8 से इसे माइनस करेंगे, 4.5 घंटा है, पहले हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4 घंटा 56 मिनट जो था उसे हम 12 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 8, यानी कि 7:04 यही तो होगा, 7:04। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 8 PM दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इससे भी हम जो हमारा यहाँ पे जो है 15 डिग्री को हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, 120 डिग्री आ गया, राइट, यहाँ पर जो समय होगा 120 डिग्री होगा, लोकेशन जो होगी वो 120 डिग्री की होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें, हमने कहा था कि जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा लॉस होता है, इसलिए हमें इसमें से 100 जो हमारा समय था 8 8 बजे, तो इसमें से हम, अगर हम आपका जो मेरा जो समय है 4 घंटा 56 मिनट उसको हम माइनस कर देंगे पहले। ठीक है, तो जो मेरा समय था 4 घंटा 56 मिनट उसको हम 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 घंटे 4 मिनट का समय आ जाएगा, यही आएगा ना।
तीन घंटे मेरा 4 मिनट का समय आया, तो हम इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, 3 घंटा 4 मिनट को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिया 45 और 4, 4 को करेंगे कितना आ जाएगा, 1 डिग्री से करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग ये होगा आपका, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री समथिंग कुछ होगा, ठीक है, ये आपका लोकेशन आ गया ये वाला। इस तरह आपको लोकेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने आपका ये हमने देखा कि लोकेशन दी हुई थी तो हमने समय फाइंड किया, ठीक है। अब समय दिया हुआ था तो हमने लोकेशन फाइंड की, ठीक है, ये हो गया आपका टाइम कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं, हमने टाइम निकालना सीखा है, ठीक है, कि टाइम को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया की जो आपकी लाइन है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इंडिया की जो लाइन है, ठीक है, मान के चलिए मैप है यहाँ पे, ठीक है, ये इंडिया की लाइन है जिसे हम IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये इंडिया की जिससे आपका जो समय है कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर इंडिया को ये अगर इंडिया चाहता तो इस लाइन को नहीं लेके आपकी एक लाइन यहाँ पर भी ले सकता था जो था 68 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, जो आपकी गुजरात से होके गुजरती है, ठीक है, एक लाइन आपका यहाँ से भी ले सकता था 97.30 डिग्री, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो अगर इंडिया चाहता, अगर इंडिया चाहता तो ये दो लाइन भी आपका अपनी टाइम जोन रख सकता था, लेकिन इससे क्या होता कि जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो सूर्य है, ठीक है, ईस्ट में उदय होता है, तो सूर्य के सबसे पहले जो प्रकाश है पहले यहाँ पड़ता, ठीक है, यानी कि दिन यहाँ होता, सबसे पहले सूर्य यहाँ निकलता, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये भाग आपका गुजरात का सूर्य के सामने होता, उसके बाद सुबह यहाँ होता है। तो मान के चलिए अगर सुबह यहाँ पे आपका 6 बजे होता है तो यहाँ पे कई बजे होता, हमारी यहाँ पर होता 8 बजे, क्योंकि हमारी जो इंडिया की ये जो लोकेशन है ये वाला लमसम 30 डिग्री में फैली हुई है। शायद आपको पता हो कि जो इंडिया है यहाँ से लेके मानिए चाहे यहाँ से लेके मानिए, जो इंडिया है टोटल आपका 30 डिग्री में फैली हुई है, ठीक है। तो तो हमने हमने कहा कहा कि कि अगर अगर सूर्य इस अगर सूर्य आपका अरुणाचल या फिर आपका यहाँ पे ईस्ट में जो भी आपका क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे आपका 7 बजे या 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है जैसे जैसे सूर्य के सामने आएगा भाग वैसे वैसे वहां दिन होगा, तो अगर यहाँ 6 बजे आपका सूर्य निकलता है तो यहाँ 7 यहाँ पर 8 बजे निकलता, 8 बजे उदय होता। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए इंडिया ने क्या किया, इन दोनों लाइन को हटाया, तो नहीं तुम भागो, और इसने सबसे बीच में लाइन खींच दी 82 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों को हटाया और अपनी जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट इसको अपनी लाइन बना लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो समय यानी कि सूर्य अगर यहाँ 7 बजे उदय हो रहा है तो यहाँ पर भी 7 बजे ही उदय होगा, ठीक है, ऐसा इसलिए किया। और ये जो जोन है आपका ये वाला 82.5 डिग्री से लेके ये वाला 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस जोन को हम चिकन जोन भी बोलते हैं, शायद आपको पता हो, ठीक है। तो ये हमने इंडिया के बारे में, ठीक है, ठीक है, हमने इसी से संबंधित कुछ स्लाइड भी रखी हुई है उन्हें हम देखते हैं, ठीक है, फिर उसी से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, ठीक है, जो हल करेंगे, ठीक है, फिर आपके लिए जो होमवर्क के लिए दिया जाएगा उसको आपको करके आना है, ठीक है। चलिए हम अपनी स्लाइड देख लेते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है जिसे मानक समय कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कहा था कि जो हमारा देशांतर रेखा है, ठीक है, वह एक ऐसी रेखा है जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे हम GMT बोलते हैं, ठीक है, वो तो सबके लिए एक है, लेकिन अगर हम बात करें ना जो GMT लाइन है आपकी वो सबके लिए एक है, लेकिन वो किसी भी देश या स्टेट कोई भी देश से क्रॉस होकर नहीं गुजरती है। उस लाइन को टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों बनाया गया है पता है, वो समुद्र से होकर गुजरती है। आपको शायद अगर आपके साथ आपके पास शायद मैप हो वर्ल्ड का तो आप उसमें देखिएगा कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी क्रॉस करके बनाई गई है, क्यों, ताकि वो उसे उसको क्रॉस करने के बाद किसी भी देश का जो समय है वो सबके लिए सेम
सेम है, लेकिन अगर उसको क्रॉस करके ईस्ट में जाएगा तो उधर चेंज हो जाएगा, अगर वेस्ट में जाएगा तो चेंज होगा, ठीक है। वो सबके लिए एक है, लेकिन और जो देश है उन सभी ने अपने अपने टाइम जोन बना के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर लाइक मैं अगर बात करूं आपकी जो यूएसए है, यूएसए यूएसए ने आपके 5 टाइम जोन बना के रखे हैं, यूएसए ने 5 टाइम जोन आपने बना के रखे। अगर आप यूएसए जाओगे यानी अमेरिका जाओगे ना, तो आपको 5 बार अपनी घड़ी को चेंज करना पड़ेगा, तब आप उस समय पे पहुंच पाओगे। अगर लाइक अगर मैं बात करूं रसिया की, रसिया तो रसिया आपका लगभग 165 डिग्री में फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया ने आपके टोटल 11 टाइम जोन बना के रखे हैं, 6 7 8 9, यानी कि अगर मैं बात करूं रसिया की तो रसिया ने टोटल अपने 11 टाइम जोन बना के रखे हैं। सोचिए कि रसिया अगर आप कभी चल गए गलती से भी तो आपको 11 बार अपनी घड़ी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए ये तो कितना है, और इंडिया ने मात्र अपना एक समय बना के रखा है जो है 85 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। अब है कि भारत की प्रमाणिक माध्यम रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। जैसा कि हमने मैप में देखा था कि जो इंडिया की प्रमाणिक माध्यम रेखा है जिसे हम भारतीय मानक समय या फिर IST यानी कि इंडियन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है, यानी कि जो हमारी इंडिया की जो देशांतर रेखा है 85 डिग्री, ठीक है, या फिर आप 82 डिग्री 30 मिनट बोल सकते हैं, वो इलाहाबाद के नैनी शहर नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मध्य यानी कि GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि ये जो GMT लाइन है, GMT ये जो है, इस लाइन के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो मेरा 5 घंटा हमको ऐड करना पड़ेगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है घड़ी, ठीक है। अब बोल रहा है कि भारतीय मानक समय की ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि जो भारत की GMT लाइन है, ठीक है, GMT बोल रहा है सॉरी IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है भारत के टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें से आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद नैनी शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, टोटल 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। अब है कि 0 डिग्री के पूरब एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 300 डिग्री तक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्लाइड में, ठीक है, कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये है मेरा एक मिनट, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है, डायग्राम से बताया था कि ये मेरी जो अर्थ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यह है GMT, ठीक है, इसके ईस्ट में है आपका 180 डिग्री लाइन और वेस्ट में है 180 डिग्री लाइन, यानी कि टोटल जो है वो 300 डिग्री लाइन है, ठीक है। वही यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है, कि 0 डिग्री के पूरब में जाएंगे तो 180 डिग्री लाइन, ठीक है, और दोनों ओर है यानी कि पूरब में जाएंगे तो 180, ईस्ट में जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, यानी कि कुल मिलाकर 300 डिग्री 360 डिग्री तक होती है, ठीक है। अब है सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि जो सभी समांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी को ठीक बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसीलिए इन सभी को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, और इसीलिए इन सभी को जो है ये वाला जो है इसे हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है कि ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री देशांतर
रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि जो ईस्ट में है, ठीक है, उसे हम 180 डिग्री ईस्ट में है यानी कि पूर्व में, तो उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं कहेंगे। अगर वही पश्चिम में है तो उसे पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहेंगे, बस। ठीक है, हाँ भाई, कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है और मिनट की बात करें तो 1440 मिनट। ठीक है, तथा कुल देशांतर रेखाओं संख्या भी 360 डिग्री है, यानी कि जो हमारी देशांतर लाइन है वो भी आपकी 360 डिग्री लाइन है। ठीक है, जैसा कि हमने आपकी अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि ये वाली जो 0 डिग्री है इसके आपके अगर अगर हम नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो मेरी जो 90 डिग्री लाइन आपका नॉर्थ में है और 90 डिग्री साउथ में है। ठीक है, हमने यही बताया था आपकी, यानी कि हर एक जो डिग्री है आपकी टोटल ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसी टोटल जो लाइन है वो 90 डिग्री आपकी लाइन नॉर्थ में है, 90 डिग्री साउथ में है, ऐसे तो बताया था। यानी कि जो टोटल लाइन थी आपकी वो कितनी थी, 179 थी। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री एक जो लाइन आपका नॉर्थ और जो साउथ में है उसे हम नहीं जोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो सर्कल बनाता है। ठीक है, इसलिए हमारी जो लाइन होती है वो 179 होती है, नहीं तो अगर हम इन्हें भी जोड़ते हैं इन दोनों को भी तो हमारी 181 लाइन होती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ लाइन है वो पूरा सर्कल बनाती है, इसलिए हम उन दोनों को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी बोल रहा है कि जो देशांतर लाइन है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये देशांतर लाइन, इसी तरह आपकी ये जो लाइन है ये वाली, ये टोटल आपकी 180 डिग्री लाइन आपकी ईस्ट में होंगी और 180 डिग्री आपकी वेस्ट में होंगी, हर एक डिग्री पे 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे। ठीक है, और हमने बताया था कि इनकी जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर और इसकी जो होती है वो होती है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमने कहा कि अगर हमको इसमें से आपका टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको स्लाइड से बताऊं, जैसे, ठीक है, जैसे कि हमने आपको पिछले सेशन में शायद बताया हो ना, नहीं बताया तो अभी बता दे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, भूमध्य रेखा, फिर इसी तरह भूमध्य रेखा के समांतर हम टोटल 89 लाइन खींचते हैं, इसी तरह नॉर्थ में और इसी तरह साउथ में 89। ठीक है, तो इन जो 0 डिग्री और 1 डिग्री या फिर जितनी भी आपकी 89 लाइन है उन सब से 1 डिग्री से 0 डिग्री की जो बीच की दूरी होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, हमने बताया था कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो हमने आपसे एक क्वेश्चन इसी तरह अगर हम मान के चलिए पूछते हैं आपसे, या फिर मान के चलिए कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है ये जो आपका 77 डिग्री पे खड़ा है, कोई बंदा है जो 77 डिग्री पे खड़ा है और वो आपसे बोल रहा है कि 0 डिग्री से मेरा जो 77 डिग्री है वहां पे आपको किलोमीटर में मेरी दूरी बताइए। 77 डिग्री पे खड़ा है, आपको 0 डिग्री से अपनी किलोमीटर में दूरी पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं करना है, क्योंकि 0 डिग्री से बोल रहा है ना, 0 डिग्री से बोल रहा है तो उसकी जो दूरी है वो 77 किलोमीटर है, यानी कि 77 किलोमीटर को 111 से गुना कर देंगे तो मेरा दूरी निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 0 डिग्री से। अगर बोलता है कि मैं 77 डिग्री पे ही खड़ा हूँ, अभी तक हिला नहीं है, 77 डिग्री पे ही खड़ा है, ठीक है, लेकिन अब क्या करता है कि वो आपका यहाँ से पूछ लेता है कि मैं 77 डिग्री पे खड़ा हूँ लेकिन आपको 23.5 डिग्री साउथ से मेरी दूरी बतानी है किलोमीटर में, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो 77 डिग्री तो आपका यहाँ से हो गया, अब ये वाला भी जोड़ लेंगे, 77 डिग्री तो आपका 0 डिग्री से हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ से वो अपना दूरी पूछ लिया है तो इसको हम ऐड कर देंगे 77 डिग्री में, तो 77 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री को ऐड कर देंगे ना, और उसके बाद 11 से गुना कर देंगे तो 11 किलोमीटर से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह निकालते हैं। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतराल होता है, यानी कि हमने जैसा कि देखा था कि हमारी जो अर्थ है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर होता है, वही यहाँ बता रहा है। ठीक है, अब सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है, एवं पृथ्वी
पश्चिम से पूरब अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारी जो अर्थ है हमने बताया था कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ठीक है। अतः 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर सामान्य जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। मैंने कई कहा है कि 0 डिग्री से पूरब यानी कि 0 डिग्री यानी कि जो लाइन है ये वाली, 0 डिग्री से पूरब यानी कि आगे और 0 डिग्री यानी कि जीएमटी से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, पीछे यानी कि समय पीछे और ईस्ट में जाएंगे तो आगे, ठीक है। अब है 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यानी कि अगर ये मेरा 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री से अगर हम 180 डिग्री तक यहाँ पर जाएंगे ना तो हमको टोटल 12 घंटे की अवधि लगती है, यानी 12 घंटे की अवधि लगती है। इसी तरह अगर हम 0 डिग्री से वेस्ट में जाएंगे तो मेरा 12 घंटे की अवधि लगती है, ठीक है। एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, ठीक है, देख लिए। अब थोड़ा सा और स्लाइड में है, यहाँ बोल रहा है कि 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। यानी कि जो 180 डिग्री जो लाइन होती है देशांतर, पूरब में एवं पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का समय पाया जाता है, ठीक है। अब है कि वृत्त पर 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम मेरिडियन के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेडलाइन कहलाता है। जैसे कि हमने कहा है कि जो हमारी 0 डिग्री जो लाइन है जिसे हम इंटरनेशनल डेडलाइन जो हमने अभी बताया था कि वो जिसे हम पूरब एवं पश्चिमी मेरिडियन के लगभग सभी जगहों के यानी कि जो भी स्थान है उन स्थानों को छोड़ते हुए इस लाइन को समुद्र के जरिए क्रॉस किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बता रहा है कि 180 डिग्री पूरब एवं पश्चिम मेरिडियन के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई, यानी कि जितने भी स्थल खंड है, ठीक है, स्थलीय जो भी भाग है उन सबको छोड़ते हुए वो समुद्र के जरिए समुद्र के रास्ते से इस लाइन को निकाला गया है, क्रॉस किया गया है, ठीक है। इसलिए इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन कहते हैं या फिर काल्पनिक रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन या इंटरनेशनल डेड लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमने टाइम जोन के बारे में पढ़ा, ठीक है, टाइम कॉन्सेप्ट भी सीखा, हमने कुछ स्लाइड थी उनको भी देखा, ठीक है। अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताइएगा हमें, ठीक है। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है, हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जैसे कि ये वाला है मेरा UPPCS मेंस 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसे यहाँ बोल रहा है कि जब भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पर अर्धरात्रि है, यानी कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये भारत का समय यहाँ पर बोल रहा है अर्धरात्रि, यानी कि यहाँ पर मेरा रात के 12 बजा हुआ है, ठीक है। फिर है कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति डिग्री पर है, वह क्या है, यानी कि यहाँ पर तो मेरा 12 रात के 12 बजा है, ठीक है, यहाँ का समय दे दिया है। फिर एक स्थान और है जहां पर सुबह का 6 बज रहा है, यानी कि यहाँ सुबह का 6 बज रहा है, ठीक है, एएम। यहाँ पर हम मैंने इधर इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे सुबह का बज रहा है ना,
और हम सभी जानते हैं कि सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है, इष्ट में होता है, यानी कि सुबह का समय है, यानी कि पक्का है कि ये इष्ट में होगा। ठीक है, तो इष्ट में दिखा रहा है इसलिए हमने इधर देखा। तो हमें इसमें आपका जो है टाइम बता रहा है कि उस स्थान जिस पर है वह क्या है। ठीक है, अब यहाँ आपका रात का 12 बज रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये है 82 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्योंकि हमें लोकेशन फाइंड करनी है, लोकेशन फाइंड करने बोल रहा है ना, हमें पहले लोकेशन फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय जो है वो क्या है। ठीक है, तो लोकेशन फाइंड करने के लिए हम 6 से 15 को गुना कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर हमें लोकेशन निकालनी है तो हम समय को डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम 15 यानी कि 1 घंटा में मेरा 15 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री को अगर हम 6 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये जो लोकेशन है वो 90 डिग्री पर है, यानी कि ये 90 डिग्री पे आपका 6 बज रहा है सुबह का। ठीक है, 90 डिग्री पे है। अब क्योंकि हमें समय में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री और 82.5 डिग्री, यानी कि हमें हमें लोकेशन फाइंड करनी है ना, सॉरी हमें लोकेशन फाइंड करनी है, तो 90 डिग्री और 82 डिग्री को हम जोड़ देंगे तो हमारी लोकेशन फाइंड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी बोल रहा है वो बोल रहा है ना, तो दोनों, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम ईस्ट में जाएंगे तो हमारा गेन होता है। ठीक है, तो अगर हम 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये वाला आंसर हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, जैसे कि यहाँ कथन दिया हुआ है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर भोपाल की रेखाओं के बीच है। ठीक है, फिर है औरंगाबाद का बड़ोदरा पुणे के आंसुओं के बीच है, फिर है कि बेंगलुरु की स्थिति में, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये IAS 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न के साथ क्वेश्चन आते हैं, इसी के तरह क्वेश्चन आपके आते हैं, तो देख सकते हैं कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो आप बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि जबलपुर की जो देशांतर रेखा है इंदौर भोपाल की रेखा के बीच से गुजरती है, यानी कि जो जबलपुर है वो इंदौर और भोपाल की रेखा के बीच से गुजरती है, ये पूछ रहा है, क्या ये कथन ठीक है। ठीक है, फिर है कि औरंगाबाद का बड़ोदरा पुणे के अंशों के बीच है। ठीक है, आप इनकी लोकेशन तब फाइंड कर सकते हो जब आपको पता हो कि जो जबलपुर है हमारा वो कितनी डिग्री पे, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक विजिट करता है। ठीक है, वहीं आपको पता हो कि इंदौर हमारा कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक विजिट करता है, और भोपाल का भी आपको लोकेशन पता हो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जबलपुर की, तो जबलपुर आई थिंक मेरा 23 डिग्री नॉर्थ से 74 डिग्री ईस्ट तक है। ठीक है, और इंदौर की बात करें तो इंदौर मेरा आपका जो है आई थिंक ये भी आपका 23 डिग्री समथिंग कुछ है नॉर्थ से 79 डिग्री समथिंग कुछ है, यानी कि जो हमारा कथन ए है ना ये गलत हो जाएगा। जो जबलपुर की देशांतर रेखा अगर हम पूछें तो इंदौर और भोपाल के मध्य है, तो गलत हो जाएगा, यानी कि जो जबलपुर है ये सबसे ज्यादा आपका फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कथन मेरा गलत हो जाएगा। फिर है कि औरंगाबाद का बड़ोदरा पुणे के आंसुओं के बीच है, तो हाँ जो औरंगाबाद है ये आपका आई थिंक 19 डिग्री नॉर्थ से हमको भी, मुझे भी उतना याद नहीं है, लेकिन जो आंसर है आपका वो आई थिंक 190 डिग्री जो भी है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप अगर आपके पास मैप है तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, फिर है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव
और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला यानी कि वलांग, वलंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश यानी कि गुजरात, तो हमारे जो गुजरात है ना ये वाला, और ये है अरुणाचल प्रदेश, तो गुजरात जो हमारा है वो 68 डिग्री 4 मिनट वेस्ट से, ठीक है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो आपका 97 डिग्री 30 मिनट में फैला हुआ है। ठीक है, ये है अरुणाचल, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की छोर वाली स्थिति। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि यहाँ से जो यहाँ तक है इसमें आपका कितना समय का अंतर है। ठीक है, तो हमें अंतर कर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 97 पॉइंट इतना को 68 डिग्री 4 मिनट से माइनस कर देंगे, तो मेरा जो आएगा तो आई थिंक 26 डिग्री समथिंग आएगा, यानी कि जो अंतर होगा वो होगा लमसम 2 घंटे का। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय की देशांतर के निकटतम है, यानी कि इनमें से शहर दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको देखना है कि आईएसटी के निकटतम कौन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रीवा तो नहीं होगा, हाँ आई थिंक मेरा जो आंसर होगा वो उज्जैन होगा। ठीक है, अब यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूरब के 10 बजे यानी कि पूरब में 10 बजा है, ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पेंसिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, यानी कि हमारा जो भारतीय मानक समय है, ठीक है, इसके 82.5 डिग्री ये वाला, यहाँ पर आपका 10 बजा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो श्रीलंग है वहां पर कितना समय का अंतर होगा, यानी कि जो 92 डिग्री है शिलोंग यानी कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है, वहां पर आपका 92 डिग्री है। ठीक है, तो वहां का जो स्थानीय समय है वो क्या होगा 92 डिग्री। ठीक है, अब हम इससे से अगर हम 82 डिग्री को 92 डिग्री में अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे 5.5 है ना, यानी कि 9 डिग्री 9 डिग्री 5 मिनट का अंतर आ गया, 9 डिग्री 5 मिनट आ गया। अब 9 डिग्री 5 मिनट को हम को अगर लोकेशन में फाइंड करना है, ठीक है, डिग्री में फाइंड करना है, तो 9 डिग्री 5 को हम 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी आई मीन टाइम में फाइंड करना है ना, तो 4 से करेंगे, ठीक है, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 2 यानी कि 28, यानी कि जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 10 बज के 38 मिनट हो जाएगा पूरा में ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हुआ, यानी कि जो भारत का 82 डिग्री 30 मिनट है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर व स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर भी है आपका, ठीक है, कि भारतीय मानक समय की 82 डिग्री 30 मिनट नहीं गुजरती, यानी कि जो 82 डिग्री 30 मिनट लाइन है इनमें से किससे नहीं होकर गुजरती है, तो ये भी आपके लिए ये भी है। ठीक है, ये बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जिससे नहीं गुजरती है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, फिर है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा की 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, इनमें कुछ नगर भी है जैसे कि अगर हम देखें नागपुर, दिल्ली, पटना, तो जो आंसर होगा ये इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यम रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो भारत की जो देशांतर रेखा है जिसे हम आईएसटी कहते हैं, इनमें से कौन सी वो रेखा है देशांतर रेखा है जो भारत की मध्यम रेखा कहलाती है। ठीक है,
अगर हम देखें 82 डिग्री तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन 2013 यूपीपी सीएस यूपी लोअर 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 सब प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है कि भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो जो भारतीय मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनीसहर से सम्मानित जो है सामने है उसी से लिया जाता है। ठीक है, फिर है कि भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी एंड ग्रीनविच समय में अंतर पाया जाता है कितने, भारतीय मानक समय और जीएमटी जो है उसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का प्लस है, प्लस में करेंगे यानी कि जो है 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये आपका 45 टाइम बीपीएससी प्रीलिम्स 2001, फिर झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2002, 2003 और 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब है यदि अरुणाचल प्रदेश में ट्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः यानी आईएसटी होता है तो गुजरात में खंडाला में सूर्योदय किस किस यानी कि किस समय पर होगा, सॉरी ये गलत लिखा गया। ठीक है, किस समय पर होगा ये पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में आपका जो सूर्योदय है वो 5 बजे होता है। ठीक है, फिर आपको पूछ रहा है कि गुजरात में खंडाला में सूर्य समय किस समय पर होगा। अगर आपको गुजरात की हम अगर बात करें कितना है 68 डिग्री 4 मिनट और यहाँ का आपका समय दिया हुआ है 5 यानी कि जो हमारा 97 डिग्री है। ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश का टाइम दिया हुआ है 5 AM। ठीक है, तो आपको 60 यानी गुजरात जो है गुजरात में खंडाला में सूर्योदय किस समय होगा वो बताना है। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि जो हमारा 78 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, तो हमें इसको 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 से डिवाइड करके हमने कहा था कि जब हम वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, जब हम वेस्ट में जाएंगे यानी कि हमारी जो हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है लगभग 30 डिग्री में फैली हुई है। ठीक है, अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो 30 डिग्री यानी कि हमें 2 घंटे यानी कि हमें 2 घंटे माइनस करने होंगे, तो 2 घंटे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 68 को हम पहले आपका आपका घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 68 को हम 68 चार मिनट को हम पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा 2 घंटे 30 यानी कि 8.5, फिर इसको 4 से कर देंगे कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और 2 34। ठीक है, यानी कि आपका 34 मिनट हो गया यानी कि 2:34। ठीक है, और 2 मिनट आपका 2 घंटा इधर का था यानी कि आपका जो होगा वो 34 मिनट का अंतर हो समथिंग। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने किए। ठीक है, आई होप यू दिस सेशन लाइक इट यू, आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा प्लीज हमें बताइएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई थिंक हो सकता है तो आप बना के लाइएगा। ठीक है, शायद मुझसे ये गलत हुआ हो, आई एम सो पक्का कि मुझसे गलत हुआ है, तो आप अगर आपको ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे। ठीक है।